पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई के बाद चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज देश भर के करीब 5 लाख डॉक्टर हड़ताल पर चल गए हैं, जिसकी वजह से आज एम्स, सफदरगंज और LNJP RML समेत दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल, लैब और डिस्पेंसरी के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक भी बंद रहेंगे। ये हड़ताल 18 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी और कैजुअलिटी के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांग बंगाल में हिंसा पर लगाम लगाने के साथ ही इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल एक्ट बनाने की है। बता दें, बंगाल में डॉक्टर पर हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने आज जूनियर डॉक्टर से मुलाकात करने की बात कही है। इसके साथ ही हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से भी मुलाकात करेंगे और अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। स्थिति वैसी की वैसी ही है। अभी वेस्ट बंगाल में जैसी स्थिति पहले थी आज से 6-7 दिन पहले, वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। अभी तक 3 बजे आज ममता जी जितने भी इंटर्न्स और रेजिडेंट्स हैं उनको आज मिलेंगे। उसके बाद पता लगेगा कि उनका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये प्रोटेस्ट उनकी एवज में ही हम कर रहे हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है हमारी। ये हमारी वी आर स्टैंडिंग विद डॉक्टर्स एट कोलकाता, जिनके साथ में ब्रूटल अटैक हुआ है। और ये जो हमारे देश में पूरी जगह पे डॉक्टर्स के साथ में ऐसे वायलेंस के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसके प्रोटेस्ट में हमारी ये मार्च है। और उसके बाद में हम लोग 12 o'clock से वी विल बी ऑन स्ट्राइक।